आप ये नोटिस कीजिए, ये व्यू। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अंदर और ये देखिए हमारे दादी जी प्याज काट रहे हैं, हमारे लिए खाना बना रहे हैं अभी। वो देखिए हमारे दादी, इनको कुछ और काम है ही नहीं, बस यही। राम राम आप सभी को, मेरी तरफ से स्वागत है आपका फिर से हमारे छोटे से YouTube चैनल में। तो आज का ब्लॉग ये होने वाला कि आज हम जा रहे हैं अपने गांव भदरवा। तो अभी सुबह के बजे हुए हैं 4:30, तो अभी हम सब रेडी हो रहे हैं। तो अभी मैं रेडी नहीं हुआ, बाकी सारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए मेरा भाई पूरा रेडी हो के बैठा है, मेरी बहन रेडी हो रही है, तो अभी मुझे भी रेडी होना है। तो मिलते हैं आपको रेडी होकर, मैंने भी नहाना है। तो आप हमारे ब्लॉग जो है वो पूरे देखा करिए, तभी आपको मज़ा आएगा पूरा ब्लॉग देखने में। आपको आप 10-15 सेकंड्स की वीडियो देखोगे तो आप चले जाओगे, तो आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा। वो जितना भी ब्लॉग होता है पूरा एंड तक देखो, फिर देखो कितना मज़ा आएगा आपको ब्लॉग देखने में। तो मिलते हैं रेडी होके। तो गाइज अभी हम निकल चुके हैं बस स्टैंड के लिए, तो अब देखते हैं बस कितने बजे मिलती है हमें। तो चलते हैं सीधा, क्योंकि अभी हम अंधेरा में कुछ ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो जब भी रोशनी हो जाएगी तो मैं दिखाऊँगा क्या है क्या नहीं। तो गाइस अभी हम फाइनली बस में बैठ चुके हैं, हम देखते हैं कितने बजे बस निकलती है। और आप देख सकते हैं आर्मी कॉन्वॉय भी चली है सुबह सुबह। मैं जब भी उधमपुर से गुजरता हूँ तो मुझे ये सब ऐसी चीज़ें देख के पता नहीं क्यों गूज बम्स आ जाते हैं। मुझे प्राउड फील होता है अपनी इंडियन आर्मी पे यार, सीधी सी बात। अभी हम एंटर हो चुके हैं एशिया के सेकंड लार्जेस्ट टनल में, चिनेनी टू नाशिक टनल। ये हमारे ब्लॉग के साथ सुन रहे हैं मिस्टर ग्रीन किल, इनको कुछ आता पता नहीं है कब से सो रहे हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं भाला, और सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, तो अभी हम एक शॉप में रुके हैं, कुछ खा लेंगे। तो अभी हमने ऑर्डर किया, तो फिर अभी वो खाएंगे और फिर निकलेंगे हम अपने घर के लिए। तो ये आ चुके हैं हमारे समोसे, और ये देखिए रुका भी नहीं जा रहा है इतनी, वो देखिए जल्दी जल्दी। सो गाइस अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने गांव त्राउन में, और आप ये नोटिस कीजिए ये व्यू। मैं अपने गांव लगभग 4-5 साल नहीं तो महीने बाद आ रहा हूं, और ये मैंने बहुत ही मिस किया ये व्यू। और ये रहा हमारे गांव का गवर्नमेंट स्कूल।
अभी मेरा भाई आया था मुझे बाइक पे आगे तक छोड़ने और वो वापस चला गया है। अभी हम पैदल अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और ये रहा हमारे गांव का मौसम आज का। धूप निकली है लेकिन यहाँ की धूप बिल्कुल गर्म नहीं है, इतनी गर्मी नहीं है यहाँ पे जितनी जम्मू में है। बहुत ही ठंडा मौसम। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर। ये रहा हमारा घर जो कि थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन में भी है अभी। पहुंच चुके हैं हम अपने घर। ये रहा हमारा घर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अंदर और ये देखिए हमारे दादी जी प्याज काट रहे हैं, हमारे लिए खाना बना रहे हैं अभी। ना कालू बोनू आज, जो कि आज ये बहुत ही खुश हुए हैं क्योंकि हम सब आज घर आए हैं। देख सकते हैं आप हमारे साथ मिलने कौन आए हैं। अनिकेत कटोच हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हमसे मिलने। तो कैसे हैं आप? हम बढ़िया, आप सुनाएं? हम भी बढ़िया हैं, मजे में। मजे में। सो फाइनली अभी हम अपना गांव जो कि पूरा घूम रहे हैं, चक्कर मार रहे हैं अपने गांव का। ये देखिए पावजी उड़ी है ना जो। अभी हमारे पास आ चुके हैं हमारे छोटे प्रा सुजल मनास और ये हमारे छोटे भाई है। हमारा इंतजार कर रहे थे, ये सुबह से फोन कर रहे हैं कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं। तो अभी हम फाइनली मिल चुके हैं हमारे छोटे भाई जो कि BGMI में हमारे साथ सिर्फ वन रूम खेलते हैं और कुछ नहीं आता इनको। ये देखिए हमारे कंस मामा, कंस मामा भी आए हैं और ये अंधे हो गए हैं, कहीं भी पैर डाल रहे हैं अपना। ये देखिए अनपढ़ जट 16 दुनिया 8। अभी मैं अच्छे से घर भी नहीं पहुंचा था और इधर मेरे को काम पे लगा दिया है मक्खियों की गुड़ाई के लिए। क्या बोले अब, घर में आए नहीं तो काम शुरू। ये देख सकते हैं हमारा खेत, मक्खियां काफी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। वो देखिए हमारे दादी, इनको कुछ और काम है ही नहीं, बस यही है। खुद तो रेस्ट करना नहीं होता, दूसरों को भी नहीं देते करने, बिल्कुल ही नहीं है। सेब लग चुकी है, अभी पके नहीं है, पकने में अभी टाइम है। और हमारा काम जो है वो हो चुका है खत्म। आप मेरी शक्ल देख सकते हो, पसीना ही पसीना है। तो अभी हम जाएंगे सीधा घर, बहुत ही पसीना। ये आप जो देख रहे हैं ये हमारे शगुनी मामा। पहाड़ों में ऐसा ही होता है, उम्र में आपसे जो लोग छोटे होंगे वही आपके मामा चाचा ताया होते हैं, गांव में ये कॉमन चीज है। तो फाइनली
हमारा काम हो चुका है खत्म। अब हम जा रहे हैं सीधा घर। तो ये ब्लॉग हम यहीं तक ही रखते हैं, नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ब्लॉग तो फिर आप भी बोर हो जाओगे। लेकिन एक बात है कि ब्लॉग जो है वो आप पूरे देखिए ताकि आपको मज़ा आए। स्टार्टिंग में मैं भी जानता हूँ कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोर लग सकता है, ब्लॉग अच्छा नहीं लगता है, मतलब स्टार्टिंग में क्या ही दिखाएगा मतलब। तो आप अगर लास्ट तक ब्लॉग देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आज बंदा आगे क्या क्या दिखाने वाला है। जैसे मैंने आज दिखाया जम्मू से आते वक्त मैंने लगभग थोड़ा बहुत ही दिखाया, कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं। बस में बैठा था, बस में क्या ही दिखाता मैं बस से। तो ये व्लॉग यहीं तक का रखते हैं। ओके बाय, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टाटा, गुड बाय, सी यू।